हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पावर फैक्टर। मीन्स कि आपकी कंपनी है उसका पावर फैक्टर क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे आपकी कंपनी का पावर फैक्टर कितना है। हम लाइव पावर फैक्टर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। मीन्स के जो हमारी कंपनी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, उसमें हम 3 दिन का रीडिंग लेके हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम पहले रीडिंग देख लेते हैं 3 दिन का, बाद में हम पावर फैक्टर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, मीन्स कि हमारी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, उसमें हम 3 दिन का डेटा है जो हम रीड करेंगे, बाद में हम पावर फैक्टर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो आज की डेट है, जो यहाँ पे 20 सितंबर 2020 है जो आज की डेट है, और संडे है, हम तीनों दिन है जो हम टाइम है वो एक ही रखेंगे, क्योंकि आपको पता चले कि 24 आवर्स में आपको कितना पावर कंजप्शन हुआ है। यहाँ पे जो अभी 9 बजा है, हम तीनों दिन है जो 9 बजे रीडिंग लेंगे और उसका पावर फैक्टर है वो हम कैलकुलेट करेंगे। जो यहाँ पे रीडिंग है, जो KWH एंड KVH है उसकी हमको रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम वो दो ही डेटा है वो हम लेंगे। यहाँ जो KWH है जो 1,20,762 है, जो हमारा आज की डेट का KWH है। पावर फैक्टर क्या है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इजीली देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे KVH है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो KVH है जो 1,20,878 है, जो हमारा KVH है। चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट दिन का है जो हम रीडिंग देख लेते हैं। चलिए फिर हम आज का डेटा देख लेते हैं। आज 21 सितंबर 2020 है और मंडे, हमने कल का डेटा देख लिया है। उन दोनों का डिफरेंस मेजर करके हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। हम दोनों में टाइम सेम रखेंगे। कल भी हमने 9 बजे रीडिंग लिया था, आज भी हम 9 बजे रीडिंग ले रहे हैं, क्योंकि आपको 24 आवर्स में कितना पावर कंजप्शन हुआ है वो आपको ईजिली पता चले, इसलिए हमने टाइम है वो हम सेम रखेंगे। यहाँ पर जो आज का KWH है जो 1,20,910 है, हम पावर फैक्टर को मेंटेन नहीं रखेंगे तो हमको क्या क्या डिसएडवांटेज होगा, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इजीली देख सकते हो। चलिए फ्रेंड, हमको KVH की रिक्वायरमेंट है, वो आज का डेट का KVH है तो हम देख लेते। जो यहाँ पर KVH है जो 1,21,026 है, जो आज का KVH है। चलिए फ्रेंड, हम 22 तारीख का हम रीडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे जो आज की डेट है जो 22 सितंबर 2020 है, हम आज का रीडिंग देख लेते, बाद में हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। हम तीनों दिन है जो टाइम सेम ही रखेंगे, बट यहाँ पे मैंने 5 मिनट पहले रीडिंग ले लिया है, जो यहाँ पे 8:54 पे रीडिंग लिया है, क्योंकि हमारा पावर कट ऑफ का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट पहले रीडिंग लिया है, बट उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट पहले लिया है। जो आज का KWH है जो 1,21,072 है, हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमको KWH एंड KVH की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम वो दोनों रीडिंग लेंगे जो KWH एंड KVH है। हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम APFC पैनल का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। जो आज का KVH है जो 1,21,187 है, चलिए फिर हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने रीडिंग देखा 20, 21 एंड 22 तारीख का हमने रीडिंग देखा, मैंने यहाँ पे तीनों लिख लिया है। यहाँ पे हम पहले 20 एंड 21 तारीख का जो रीडिंग है उसको हम डिफरेंट मेजर करके पावर फैक्टर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में हम 21 एंड 22 तारीख है उसका हम डिफरेंट मेजर करके पावर फैक्टर है उसको कैलकुलेट करेंगे। आप 2 दिन का डेटा मीन्स के रीडिंग लेके भी पावर फैक्टर है जो हमारा कोस पाए उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 दिन का लिया डेटा, क्यों लिया है हम आगे बात करेंगे। तो चलिए फिर हम पहले 20 एंड 21 तारीख का है डेटा उसको हम डिफरेंट पहले मेजर कर लेते हैं, बाद में हम पावर फैक्टर मेजर करेंगे। यहाँ पे जो 21 तारीख का जो KWH है जो 1,20,910 है, उसमें से हम जो 20 तारीख का हमारा जो KWH है उसको हम माइनस करेंगे, 1,20,762 है उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारा KWH क्या आया, मीन्स क्या हमारा डिफरेंस है 21 एंड 20 तारीख का डिफरेंस है जो 148 आया। सेकंड हम KVH है उसको हम माइनस करेंगे, 1,21,026 है, उसमें से हमारा जो 20 तारीख का है जो KVH है जो 1,20,878 है उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 148 आया। हमको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू
यहाँ पे के डब्ल्यू एच अपॉन के वी एस आपको इक्वेशन पता ही है। यहाँ पे के डब्ल्यू एच हमारा एक्टिव पावर है जो रियल पावर है, अपॉन के वी एच है जो हमारा टोटल पावर है। यहाँ पे के वी एच क्या आया, जो हमारा 20 एंड 21 तारीख का डिफरेंस है, यहाँ पे 148 है तो मैंने यहाँ पे 148 लिखा। और यहाँ पे के वी एच है जो यहाँ पे 20 एंड 21 तारीख का डिफरेंस क्या आया, 148 आया। तो यहाँ पे 148 अपॉन 148 इज इक्वल टू 1 हुआ। ये हमारा पावर फैक्टर है जो यूनिटी पावर फैक्टर है। क्यों हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है, बट हमारी जो पैनल है, जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल है जिसको हमने ऑन रखा है, मींस के ऑटो में रखा है, जैसे ही हमारा जो कॉस प्राइम पावर फैक्टर है जो रिड्यूस होगा तो हमारी कैपेसिटर बैंक है जो ऑन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो पावर फैक्टर है जो यूनिटी हमने मेंटेन किया है। सेकंड हम देख लेते 21 तारीख एंड 22 तारीख का डिफरेंस क्या आता है वो हम देख लेते हैं, और बाद में हम पावर फैक्टर है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों पावर फैक्टर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो 22 तारीख का रीडिंग है जो के डब्ल्यू एस है जो 121,072 है, उसमें से जो हमारा 21 तारीख का रीडिंग है जो के डब्ल्यू एस है जो 120,910 है उसको हम माइनस करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, के डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 162 मिला, जो हमारा 21 एंड 22 तारीख का डिफरेंस 162 मिला के डब्ल्यू एस। नेक्स्ट है हमको के वी एच की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पे 22 तारीख का रीडिंग है जो यहाँ पे 121,187 है, और यहाँ पे जो 21 तारीख का रीडिंग है जो 121,026 है, वो दोनों को माइनस करेंगे तो हमको क्या डिफरेंस मिला, 161 मिला। पावर फैक्टर का इक्वेशन आपको पता है, जो यहाँ पे हमारा कॉस फाई इज इक्वल टू के डब्ल्यू एस अपॉन के वी एच है। के डब्ल्यू हमारा जो एक्टिव पावर है, के वी एच है जो हमारा टोटल पावर है, यहाँ पे के डब्ल्यू एच है जो 162 है और के वी एच है जो हमारा 161 है। यहाँ पे जो हमारा टोटल पावर है, जो हमारा एक्टिव पावर है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो पावर फैक्टर बैंक है मीन्स के ऑटोमेटिक पावर फैक्टर जो हम कंट्रोल करते हैं वो हमने पैनल है जो मैनुअल में ऑन रखी है, इसलिए हमारा जो रियल पावर है वो ज़्यादा है हमारा टोटल पावर से। यहाँ पे कॉस फाई क्या है, 1.006 पावर फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है जो मैनुअल में ऑन किया है, इसलिए यहाँ पे जो पावर फैक्टर है जो 1.006 आया है, इसलिए हमारा जो टोटल पावर से जो हमारा एक्टिव पावर है वो ज़्यादा आया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे तीन दिन का रीडिंग लिया, एक में हमने 20 एंड 21 तारीख का डिफरेंस में हमने जो पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल है उसको हमने ऑटो में रखा था, और 21 एंड 22 तारीख का रीडिंग में हमने जो पैनल है उसको हम मैनुअल में ऑन किया था, इसलिए यहाँ पे जो पावर फैक्टर में डिफरेंस आया। हम जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर में हम रीडिंग लेंगे, जो डेट एंड टाइम के बाद जो हमारा के डब्ल्यू एच आएगा उसका हम रीडिंग लेंगे, और एक लास्ट में भी आता है वो हम मेजर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डेट एंड टाइम के बाद जो के डब्ल्यू एच आता है उसका हम रीडिंग लेके पावर फैक्टर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि पावर फैक्टर है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले।